हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ, ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड, आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग किचन वेस्ट से कैसे कंपोस्ट बनाएं। किचन में जो भी हम लोग वेस्ट निकलता है, जो भी सब्जी के छिलके वगैरह निकलते हैं, उनसे हम लोग कंपोस्टिंग कैसे तैयार करें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे हम लोग कंपोस्टिंग तैयार करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, कोई भी इस तरह का पॉट ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। के बाद हम लोग किचन वेस्ट डालेंगे, जो भी सब्जी वगैरह के पत्ते, छिलके, मटर के छिलके, गोभी, आपके गार्डन के जो भी पत्ते निकलते हैं वो ऐसे लेयर दे दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग फिर एक लेयर मिट्टी की डालेंगे, इसको कवर कर देंगे जिससे दुर्गंध नहीं आएगा। जब ये सड़ेंगे पत्ते तो दुर्गंध नहीं आएगा। ये ढक गए, उसके बाद फिर से हम लोग किचन वेस्ट डालेंगे। दबा देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, हम लोग ये काफ़ी अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए, घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, काफ़ी यूज़फुल है ये। उसके बाद फिर से एक लेयर मिट्टी की डालेंगे हम लोग। इस तरह से इसको ढक देंगे। फिर से इसमें किचन वेस्ट डालेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से ऐसे दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद फिर से इसमें मिट्टी डालेंगे, ऐसे ही ढकते जाएंगे, एक परत मिट्टी का, फिर एक परत किचन वेस्ट का। और हाँ, इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ कच्ची चीज़ें होनी चाहिए इनमें, कोई भी किचन का पका हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग इसमें डालेंगे कच्चे ही सामग्री डालेंगे, सब्जियों का छिलका वगैरह सब डालेंगे, पका हुआ सामग्री हम लोग नहीं डालेंगे। देखिए ऐसे ढक दिया, और लास्ट में फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर से बालू डाल देती हूँ, अच्छे से बालू डाल के कवर कर देती हूँ ऐसे। देखिए पूरा बालू से कवर कर दिया। ताकि इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं आए, दुर्गंध नहीं आए, मच्छर मक्खी पैदा नहीं हो, अच्छे से इसको ऐसे दबा देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम लोग इसको ढक देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। किसी प्लेट से या पॉलिथीन से कवर कर देंगे।
कवर करके इस पे कुछ वजन डाल देंगे और इसे यूं ही सनलाइट में छोड़ देंगे, अपने गार्डन के किसी कॉर्नर में छोड़ देंगे। फिर महीना दो महीना के बाद फ्रेंड्स ये इस प्रकार तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कंपोस्टिंग तैयार होता है। ये मेरा पहले से तैयार किया हुआ कंपोस्टिंग है फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। मैं अपने गार्डन में ये बहुत यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है प्लांट के लिए, बहुत अच्छा रहता है, ग्रीनरी रहता है, प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, फ्लावरिंग भी अच्छे से होती है, इस तरह से ये निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और कंपोस्टिंग आप भी वैसे ही तैयार करिए और फ़ायदा लीजिए, किचन वेस्ट को यूज करिए अपने गार्डनिंग में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आप और क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय फ्रेंड्स।